आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से दमन तक के तूफानी दौरे पर होंगे। दो दिन के इस दौरे में पीएम मोदी मध्य प्रदेश, केरल, दादर नगर हवेली और दमन दीव का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम के इस दौरे में एक रोड शो भी होगा। पीएम मोदी की ये दो दिवसीय यात्रा एमपी के रीवा से शुरू होगी। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। कई राज्यों को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मध्य प्रदेश को बड़े पैमाने पर सौगात दी जाएगी। आज पीएम का तूफानी दौरा है। दो दिन के इस दौरे में आज से पीएम मोदी 5300 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। दिल्ली से लेकर दमन तक का ये तूफानी दौरा होने जा रहा है। एमपी, केरल, गुजरात जाएंगे और कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान पीएम का एक रोड शो भी होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। आज सबसे पहले पीएम मोदी सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। रीवा के बाद पीएम मोदी केरल के कोच्चि पहुंचेंगे, जहां शाम 5:30 बजे पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। सेक्रेड हार्ट कॉलेज ग्राउंड में शाम 6 बजे होने वाले युवम कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें राज्य भर के 1 लाख से ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का केरल का एक कार्यक्रम बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने पहले ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केरल में भी गठबंधन के साथ सत्ता में आने का संकल्प दिलाया था। इस दिशा में पीएम मोदी का रोड शो और युवाओं का संबोधन एक बड़ा कदम है। 25 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये केरल में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच चलेगी। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, जो कि 8 घंटे में तय होगी। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री का जो ये तूफानी दौरा होने जा रहा है, ये जो कार्यक्रम है, ये कितने बजे से शुरू होगा और क्या कुछ खास बातें हैं इसकी? देखिए, आपने जैसा कहा कि 5300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और वो भी सिर्फ 36 घंटे में। आज 11 बजे से उनका यात्रा शुरू होगी। पहले खजुराहो उतरेंगे, वहाँ से रीवा जाएंगे। रीवा में जो 4 लाख से ज़्यादा लोगों को घर दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। वाटर की समस्या सोल्यूशन के लिए कई परियोजनाओं को वहाँ पर शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे। कई ट्रेनों की वो हरी झंडी दिखाएंगे रीवा में। वहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूरी कोची जाएंगे और जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, युवाओं को संबोधित करेंगे, ईसाई धर्म गुरुओं से मुलाकात करेंगे, नाइट स्टे करेंगे। कल वो तिरुवनंतपुरम में वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाएंगे। वाटर मेट्रो जो होता है उसका पहली बार एक उद्घाटन करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। सिलवासा जाएंगे, दादर नगर हवेली जाएंगे, वहाँ पर नमो जो विश्वविद्यालय है, मेडिकल हॉस्पिटल है, उसको संबोधित करेंगे। वहाँ पर कई परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ये सिर्फ परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और लाभार्थियों को घर देना ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मिशन 2024 भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में जो 2019 का जो नतीजे थे, पार्टी को पूरी उम्मीद है कि 2024 में वो नतीजे आएंगे। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जाकर प्रधानमंत्री ये संदेश केरल को देने जा रहे हैं कि बहुत हुआ दो गठबंधन की, अब वहाँ पर बीजेपी या बीजेपी के अंदर जो गठबंधन बनेगा, जैसा कि आपने देखा कि सीपीएम एक वामपंथी दल और यूपी जो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, उसका जो एक महत्वपूर्ण जो लीडर है वो एक नया पार्टी बना रहे हैं और संभावना है कि बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। वो ये मिशन 2024 का भी है, शुरुआत भी कर सकते हैं और लोगों को सुविधाएं भी दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सुविधा दे रहे हैं और मिशन 2024 में लगे हुए हैं, विपक्ष अभी नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन होगा और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, इसकी ही रणनीति बनाने में पिछड़ रहा है। जी बिल्कुल रविंद्र, बहुत अहम बात आपने बताई कि न सिर्फ इस साल होने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उस पर नजर है, बल्कि मिशन 2024 के लिए भी है और कहीं ना कहीं विपक्ष से आगे रहने की कवायद की जा रही है। और इसमें जो अहम बात आपने बताई कि केरल पर काफी फोकस किया जा रहा है और केरल जहां पर बहुत ज्यादा चुनावी ताकत अभी तक बीजेपी की नहीं बन पाई है, वहां पर काफी फोकस कर रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद भी। बिल्कुल, देखिए जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही दिल्ली में हुई थी तो उन्होंने साफ संदेश दिया था कि अल्पसंख्यक खासकर जो मुस्लिम समुदाय में हैं, पसमंदा समाज और ईसाई समुदाय हैं, चर्च में आप जाइए, कई तरह के निर्देश उन्होंने दिया था पार्टी कार्यकर्ताओं को। और यहाँ तक कहा था कि केरल में गठबंधन की सरकार बनाएंगे हम, वहाँ से बड़ी संख्या में सीटें जीतने का एक आप टारगेट रखिए। और
आप देखिए केरल से लगातार शून्य नतीजे आते रहे बीजेपी के, हालांकि एक आध बार उन्होंने तिरुवनंतपुरम में कुछ अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन इस बार पार्टी को उम्मीद है कि गठबंधन बनाकर वहां से 3-4 सीटें लाएंगे। अगर जो 2019 के नतीजे नॉर्थ में कुछ सीटें कम होती है तो इसकी भरपाई तेलंगाना से हो, आंध्र प्रदेश से हो, जहां टीडीपी के साथ गठबंधन बनाने की संभावना दिखाई जा रही है, और केरल से उसकी भरपाई हो तमिलनाडु से। ठीक है, मिशन 2024 कोशिश ये है कि 2019 में जिन राज्यों में बंपर जीत मिली थी अगर वहां से थोड़ा नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है दूसरे नए राज्य हैं जहां पिछली बार प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था वहां से हो सके, ये रणनीति दिखती है। बहुत शुक्रिया रविंद्र पूरी जानकारी के लिए। Z News।